Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, घर में जो मक्खन बनाकर उसका देसी घी बनाते हैं, उसकी जो फुटकियाँ बच जाती हैं, आज उसकी पंजीरी बनाएंगे। बहुत मज़े की बनती है और बहुत हेल्थफुल होती है, ताकत वाली होती है, सर्दियों में खाते हैं। तो ये वो घी निकाली और इसकी ये जो फुटकियाँ, इसकी हम पंजीरी बनाएंगे। जिसके लिए 3 खाने के चम्मच आटा लिया है, 2 खाने के चम्मच बेसन लेंगे। और इसको भूनेंगे थोड़ा सा। क्योंकि जो फुटकियाँ बची होती हैं घी की, देसी की, उसमें ऑलरेडी घी होता है देसी। इसको 2-3 मिनट भुनाई करेंगे इसकी। आटे की भुनाई होगी और बेसन की, अब इसको साइड पे करेंगे। मक्खन से देसी घी बनाने की आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। इसको भुनाई करेंगे। तीन खाने के चम्मच पीसी हुई चीनी लिया, मूंगफली और काजू, 4 मगज लिए, किशमिश, फूल मखाने ऐड करूंगी, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बनाएंगे। दो से तीन खाने के चम्मच मैंने खोपरा पाउडर लिया, नट्स अपने टेस्ट के मुताबिक, आप जो अवेलेबल हो आप पसंद हो आप डाल सकते हैं, और बिल्कुल झटपट बन जाने वाली है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। पंजीरी रेडी हो गई है।